आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। मिशन शक्ति के तहत चलाए जा रहे ऑपरेशन आश्रम में गरीब बेसहाराओं को आश्रय दिया जा रहा है। एसपी सिटी द्वारा बनाई गई महिलाओं की 10 सदस्यीय टीम महिला पुरुष और बच्चों को आश्रय दिलाने का कार्य कर रही है। टीम अब तक दर्जन भर से अधिक लोगों को अलग अलग स्थानों पर पहुंचा चुकी है। मिशन शक्ति के तहत चलाए जा रहे ऑपरेशन आसरा में सड़कों पर रह रहे गरीब और बेसहारा महिला पुरुषों और बच्चों को आश्रय देने का कार्य महिलाओं की टीम कर रही है। मंगलवार को टीम ने हरिपर्वत सेंट जॉन चौराहे पर सामान बेचने वाले और फुटपाथ पर रहने वाले निराश्रित महिला पुरुष और बच्चों को थाना हरिपर्वत पहुँचाया। हम लोगों ने काफी प्रयास करके आज जो लोग इकट्ठे किए हैं उनमें वो लोग हैं जो रामलाल वृद्धाश्रम में जाने के लिए तैयार हो गए हैं, जिसमें हमारी शीला बहल मैम का और प्रभा मैम का पूरा पूरा हाथ है, जिसके मतलब उनकी जानकारी काउंसलिंग के द्वारा ये लोग आ गए हैं। और उससे पहले हम लोगों ने शनिवार को 5 बच्चों को रेस्क्यू किया था जो चाहे अभी तक मतलब 5 बच्चे शेल्टर में हैं, वो लोग हम लोग 11 कर रहे थे जिसमें काउंसलिंग भी की गई है। 5 बच्चे जो हैं जो शेल्टर में प्रोवाइड करवाया उनके पेरेंट्स को बुलवा लिया है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो बाल कल्याण समिति जिसे कहा जाता है। अभी हम लोगों ने इनमें पकड़ा है तो कुछ लोग बता रहे हैं कि ये लोग कुछ अजमेर साइड से हैं, कुछ कोटा से हैं, राजस्थान से हैं और गोरखपुर वगैरह से आए हुए हैं। हरिपर्वत थाने पर मौजूद महिला पुरुष और बच्चे कहीं भी जाने को तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन महिलाओं की बनाई गई टीम ने काउंसलिंग की तो वह रहने के लिए तैयार हो गए। हरिपर्वत चौराहे पर टीम ने धरपकड़ की तो सामान बेच रहे महिला पुरुष और बच्चे भाग खड़े हुए, लेकिन घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। जबरन खींचातानी इसलिए हो रही है, वैसे तो नहीं हुई है, लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इनको समझाया जाए कि देखो ये सड़क की खराब जिंदगी जीने से अच्छा है कि आप लोगों को आश्रय मिल जाएगा, खाने को पीने को रहने को सब बहुत अच्छे से मिलेगा, लेकिन क्योंकि ये जब से पैदा हुए हैं तब से इसी तरीके से ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं तो इनको ये लगता है कि ये हमारा घर बन चुका है, ये फुटपाथ और ये लोग हमारा घर है, हमारा परिवार है, इसलिए यहाँ से जाने के लिए ये हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। पर जब उनकी काउंसलिंग करी जाती है, जैसे आज एक 90 वर्षीय अम्मा है, वो हमको सेंट जॉन्स में मिली, ना वो चल पा रही थी, इतनी कमज़ोर हैं वो, उनके बच्चे हैं लेकिन उनको घर में नहीं घुसने देते हैं, ना उनके खाने पीने की पूछते। जब उनको समझाया तो बोली बेटा हम तो चाह रहे थे कि हमें कोई ऐसी जगह तुम पहुंचाओ, तो वो देखिए आ गई हैं, बैठी हुई हैं। तो लोगों को समझाया जब जाएगा, उनकी काउंसलिंग करी जाएगी, तो निश्चय बात है कि वो अच्छी जगह जाने के लिए तैयार होंगे। टीम के सदस्यों का कहना है कि अब तक दर्जन भर से अधिक लोगों को आश्रय दिया जा चुका है। इसी तरह आगे भी शहर भर में ऑपरेशन आसरा के तहत गरीब बेसहारा लोगों को आश्रय दिया जाएगा। शहर में अजमेर, एमपी, राजस्थान, बिहार के अलावा अन्य स्थानों के महिला पुरुष और बच्चे सड़क फुटपाथ पर रहकर सामान बेचने और भीख मांगने के लिए मजबूर हो गए हैं। ऐसे लोगों को आसरा दिया जा रहा है। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।